खबर है राजस्थान के धौलपुर से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर मनिया थाने में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की विवादित पोस्टर, जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए दर्शाया गया है, इसके चलते धार्मिक भावनाओं को आहत होने पर प्राथमिकी दर्ज करवाई। लीना मणिमेकलाई के साथ ट्विटर पर भी उचित कार्रवाई की मांग करी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि 2 जुलाई को अंडर द डेंट प्रोजेक्ट के तहत फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर रिलीज किया गया था। इसे खुद लीना ने ट्वीट किया था। पोस्टर में एक्ट्रेस को काली के रूप में दिखाया गया है, कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में LGBT समुदाय का झंडा है। साथ ही उन्हें सिगरेट पीते हुए भी दिखाया गया है। पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इस फिल्म का विरोध होना शुरू हो गया। देखिए यह रिपोर्ट संवाददाता रमाकांत शर्मा के साथ। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी जी द्वारा मनिया थाने में एक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के अंदर काली जो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आ रही है, जिसमें कि माता काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, और उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। क्योंकि बॉलीवुड फिल्म निर्माता जब देखो तब भगवान हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनका मजाक बनाते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। इससे हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। अब तक ये चलता आया है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग चुका है। अब है इस प्रकार की नागुजारी बिल्कुल सहन नहीं करेगा। मेरा पुलिस प्रशासन से और हम बजरंग दल का ये आग्रह है भारत सरकार से, कि इस प्रकार की मूवियों को प्रदर्शित ना किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद।